नमस्ते, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से आए आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोजगारी के बीच कुवैत एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जिससे वहां काम कर रहे भारतीय बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिससे 8 लाख के करीब भारतीय कामगारों को कुवैत से लौटना पड़ सकता है। नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने तय किया है कि प्रवासी कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक है। इस बिल के मुताबिक किसी भी एक देश के प्रवासियों की संख्या कुवैत की आबादी के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी यह बिल संबंधित समिति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा। यहाँ के प्रवासी समुदाय में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की है। कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है, जिसमें से 30 लाख प्रवासी हैं। कुल प्रवासियों में 14.5 लाख भारतीय समुदाय के लोग हैं, यानी 15% कोटा का मतलब होगा कि भारतीयों की संख्या 6.5 से 7 लाख तक सीमित कर दी जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही वहां प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद स्थानीय शासन और सरकारी अधिकारियों ने कुवैत से विदेशियों की संख्या कम करने की बात कही थी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार कुवैत में कोरोना वायरस के 49,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कुवैत के प्रवासी भारतीयों से भारत को एक अच्छा खासा रेमिटेंस, यानी कि जो वहाँ के प्रवासी पैसा अपने घर भेजते हैं उसे रेमिटेंस बोलते हैं, वो मिलता है। 2018 में कुवैत से $4.8 अरब का रेमिटेंस हासिल हुआ था। अगर कुवैत में नया बिल पास हो जाता है तो भारत सरकार को रेमिटेंस के रूप में भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यह कानून सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं बल्कि सभी प्रवासियों पर लागू होगा। भारतीयों के अलावा कुवैत में दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय मिस्र से है। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबह अल खालिद सबह ने एक बयान में कहा था कि देश में प्रवासियों की 70% आबादी को घटाकर 30% किया जाए। इन सबके बाद हालांकि भारत ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बाकी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।